Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। कोरोना का कहर जारी है और ये वैश्विक महामारी है। जी हां, कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। WHO के आंकड़े के मुताबिक आज 11 अप्रैल तक 15,24,161 अब तक दुनिया भर में पॉजिटिव केस मिले हैं और 92,941 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि 2002 और 3 में चाइना से निकला सार्स वायरस का ही ये फैमिली मेंबर है, तो इसलिए इसका नया नाम SARS-CoV-2 भी रखा गया है। भारत के अलावा कई देश लॉकडाउन है, ऐसे में सब लोग अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लोग घरों में ही हैं, लेकिन घरों में रहकर और अधिक सुरक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ कैसे रहा जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लोग घरों में रह रहे हैं तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इस वैश्विक महामारी के दौर में तो हम लोगों को, आप लोगों को बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है, सच में बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश नर्सिंग होम के चेयरमैन डॉक्टर नवीन गुप्ता हमारे साथ हैं, तो वो इन सब सवालों के जवाब हमारे साथ साझा करेंगे, आपको बताएंगे और कैसे अधिक सुरक्षित आप अपने घर में रह सकते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में आइजोम्स न्यूज में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कोरोना वायरस है, फैल रहा है, वैश्विक महामारी है, लोग सब घरों में ही हैं, तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स लोग कैसे जानें, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं जिससे उन्हें अंदेशा हो कि हाँ शायद कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो वो उसे चेकअप कराने चले जाएं। ये आपका सवाल अच्छा है कि आम आदमी कैसे पहचाने कि ये कोरोना है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप घर में अगर कुछ ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं आपको, ये हल्का सा खांसी, जुकाम या गले में खराश होना, बुखार होना, ये नॉर्मल जो लक्षण मौसम खराब होने की वजह से भी होते हैं, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो आप घर पर ही थोड़ा सा नज़दीकियों से थोड़ी दूरी बना के रखें, चाहे वो आपके कितने भी मिलने वाले हों, थोड़ा अपना मास्क का यूज करें और चाहे रुमाल का यूज करें, बार बार हाथ धोएं, इस टाइप के करें, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके डॉक्टर को दिखा के परामर्श लेके अगर चेकअप की ज़रूरत पड़े तो चेकअप कराएं। अच्छा, ऐसा हो सकता है अगर मतलब लग रहा है, जब उन्हें अंदेशा हो जाए इन सब चीज़ों के बारे में तो वो करा सकते हैं। अगर कुछ टाइम में आराम नहीं मिल रहा है उन्हें प्रिकॉशंस ले लेके, अच्छा, तो फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर पे जाके थोड़ा चेकअप करा लें, तो उससे उन्हें थोड़ा सा जागरूक होने के लिए भी ठीक रहेगा, ताकि वो दूसरे लोगों को भी कुछ इन्फेक्शन ना फैलाएं। जरूरी नहीं है वो कोरोना हो, तो नॉर्मल सर्दी खांसी भी एक दूसरे से नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, कोरोना वायरस का दंश संपूर्ण विश्व, मैं कहूँगा विश्व के बहुत ज़्यादा, क्योंकि 200 से ज़्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके हैं, तो विश्व के कई देश इसका दंश झेल रहे हैं, तो इस दौरान लोग घरों में ही हैं, क्योंकि बहुत से देशों में लॉकडाउन भी है, तो इस दौरान लोग घर में रहकर क्या कुछ एहतियात वो बरतें, ऐसे क्या प्रिकॉशंस लें, और कुछ तो ऐसे हैं घरों में रहते हैं जो खांसी जुकाम भी हो जाता है क्योंकि मौसम बदल रहा है इस वक्त, तो ये होना आम है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशंस घर में रहने के लिए सबसे अच्छा ये, अगर इस टाइप के लक्षण कुछ घर में महसूस हो रहे हैं पेशेंट को, तो सबसे अच्छा है गुनगुने पानी का सेवन करें, और थोड़ा मास्क वगैरह यूज करें घर में, और अपने जो नज़दीकी उनके रहने वाले हैं साथ में, तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रहे और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके चेकअप कराए, सबसे पहले तो यही है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि इन्हें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो हर स्वास्थ्य केंद्र में आजकल इस चीज़ का टेस्टिंग हो रही है, वो टेस्टिंग कराए, अगर कुछ ऐसा है तो क्वारंटाइन हो और अन्यथा अपना सेफ रहे। डॉक्टर गुप्ता, एक महत्वपूर्ण सवाल जो वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम जनता के लिए, लॉकडाउन की स्थिति है, लोग घरों से तो नहीं निकलते, लेकिन सुबह के वक्त में एक छूट दे रखी है कि 2 से 3 घंटे में लोग अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, सामान हैं, वो अपनी पूरी कर लें,
तो वो पूरा कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ दुकानों पे जाते हैं, सब्जी वालों पे जाते हैं, ठेले पर जाते हैं, खरीद कर लेके आते हैं। तो इस वक्त भारतीय मुद्रा का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है, यानी नोट्स का आदान प्रदान होता है। तो क्या नोट के थ्रू हमारे घर में कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है क्या? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है सभी देशवासियों के लिए कि इस टाइम कई यूनिवर्सिटियों ने इस चीज पर रिसर्च करी है कि क्या नोट पे भी या पैसों पे भी कोरोना वायरस एक्टिव रह सकता है। यही है कि उन यूनिवर्सिटियों ने, उन सभी लोगों ने यही पता करा है कि नोट पर और जितने भी पैसे हैं, जितनी भी मुद्राएं हैं, उनमें सभी में ये वायरस कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक एक्टिव रह सकता है। अच्छा, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक। बिल्कुल। तो इस बीच में फिर क्या एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए, क्योंकि नोट लेकर वो निकल रहे हैं घरों से और आ भी रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि चेंज तो होते ही है नोट, तो क्या प्रिकॉशंस वो लें, क्या एहतियात वो बरतें? इसके लिए सबसे बेटर यही है कि अगर पॉसिबल हो सके तो ग्लव्स का यूज करें, जो यूज एंड थ्रो होने चाहिए, और अपना जब भी पैसों को या नोटों को घर लेकर जाएं तो अपने हाथ ढंग से वॉश करें और पैसों को ऐसी जगह रखें ताकि वो ज़्यादा जल्दी यूज में ना आए। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल, लोग घरों में हैं तो इस दौरान क्या है ना, लोगों को मन करता है थोड़ा सा अच्छा खाने का, कुछ ऑयली खाने का, कुछ लोग तो घरों में अच्छे अच्छे पकवान जो बाहर जंक फूड भी मिलते हैं वो भी बन जाते हैं, जैसे कि पिज्ज़ा है या पानी पूरी है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं लोग घरों में ही बना लेते हैं, तो क्या इस दौरान ये खाना उचित है? छोले भटूरे भी इनफैक्ट घरों में बन जाते हैं, तो क्या मौजूदा वक्त में ये खाना खाना सही है या सिंपल जो जो सात्विक भोजन है वही लेते रहें? मेरे ख्याल से इस टाइम सात्विक भोजन लेना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हमने इस भोजन को थोड़ा सा स्पाइसी लिया, जो आजकल कहते हैं जंक फूड है, तो अगर हमने खाने पर ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी के लिए तो ये हमें नुकसानदायक हो सकता है। लोग घरों में भी जंक फूड बना लेते हैं, पिज्ज़ा भी बना लेते हैं, बर्गर भी बना लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जंक फूड हैं जो घर में ही तैयार हो जाते हैं, तो क्या इस वक्त वो लेना गलत नहीं, है? वो गलत है, वो इसलिए क्योंकि अगर किसी को एसिड की प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो सकती है, या कार्डिक प्रॉब्लम है तो वो कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी बनेगी, तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लॉकडाउन तोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाएं सबसे बढ़िया है और जंक फूड ना लें। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को, आपकी टीम को, आपके स्टाफ को किन चुनौतियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स भी आते होंगे आपके पास में जो आम खांसी जुकाम वाले होंगे, सर्दी जुकाम वाले होंगे, तो उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कि क्या सारे निर्देशों का पालन किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर और मास्क ग्लव्स तक? बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइम हम लोग और हमारी पूरी टीम इस चीज़ में लगी हुई है कि जैसे भी कोई भी पेशेंट आए, इस टाइम नॉर्मल पेशेंट ही निकल रहा है, नॉर्मल वही पेशेंट है जो मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी खांसी जुकाम, जो नॉर्मल कोरोना के भी लक्षण कह सकते हैं आप, चाहे नॉर्मल मौसम की चेंजिंग के होने की वजह से हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू दूर से ही पेशेंटों को कैसे क्या लक्षण है क्या नहीं है उस हिसाब से देखना, उन्हें जागरूक करना कि आपको भी कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, घर में भी कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है, और बार बार हाथ धोना साबुन से या सैनिटाइजर से, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है, और चाहे वो आप डॉक्टर के पास आ रहे हो, चाहे मार्केट में कहीं जा रहे हो, तो उनको भी कैसे हैंडल करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है, तो वो सब आप, वो सारे प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं, उस तरीके से आप मरीजों को डील कर रहे हैं ना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन गुप्ता, जिन्होंने बताया कि इस वक्त हमको किस तरीके से और ज्यादा अधिक सुरक्षित घर पर ही रहना है, किन किन चीजों का बारीकी से हमें ध्यान रखना है, खास करके पकवान का, चूंकि इस वक्त लोग घरों में है तो मन करता है कभी ऑयली खाने का, तो कभी पिज्जा खाने का, तो कभी पानी पूरी खाने का, तो या छोले भटूरे खाने का। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कोशिश करें इस वक्त अपने मन को थोड़ा सा संयम में रखें और ये सारी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि किसी को कार्डियक की प्रॉब्लम होती है, तो किसी को डायबिटीज़ रहता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो इनसे बार दोबारा से पैदा हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, और इस वक्त डॉक्टर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो कोरोना से जो जूझ रहे मरीज हैं उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, उन मरीजों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इस वक्त हम सिर्फ अपने डॉक्टर्स पर यही रहने दें कि वो कोरोना को इस देश से भगा दें। इसलिए बेहतर यही है कि आप अच्छा भोजन, सात्विक भोजन लें घर में ही, और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। खासकर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जो जैसे कि नोट्स है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, करेंसी का आदान प्रदान होता ही है, तो उस वक्त ग्लव्स का भी और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो बाकी ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए, खबरों के लिए आइज़ोम्स न्यूज़ पर बने रहें। आइज़ोम्स न्यूज़ लगातार आपको इस तरीके के इंटरव्यूज़ दिखाता रहेगा, लोगों से रूबरू कराता रहेगा और जागरूक भी करता रहेगा। देखते रहिए आइज़ोम्स न्यूज़।